गर्मियों के मौसम में जब आम और इतनी क्रीमी कुल्फी खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आम की कुल्फी यानी मैंगो क्रीमी कुल्फी रेसिपी, जिसे मैंने बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना कॉर्नफ्लोर के बना के सिर्फ दूध और आम से तैयार किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आइए मैंगो कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। मैंगो कुल्फी के लिए मैंने कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है, गैस पे रख दिया है उसे, गैस को मैंने ऑन कर दिया और पहले दूध में मैंने उबाल आने दी। दूध में उबाल आने के बाद गैस को थोड़ा मीडियम किया और मीडियम गैस पे मैं इसको चलाते हुए थोड़ा खदकाऊंगी यानी कि उबाल लूँगी। मुझे 2-3 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम सिम गैस पे इसको उबालना होता है चलाते हुए, और फिर इसे एकदम गैस को सिम करके पलटा रख के 1 मिनट के लिए मलाई पड़ने देनी होती है। जैसे इस टाइप की आप देख सकते हैं पलटे के ऊपर कितनी बड़ी मलाई बन के आ गई है। ऐसा मुझे लगभग 5-6 बार करना होता है। इससे क्या होता है, गाढ़ा दूध भी हो जाता है और बहुत क्रीमी मलाईदार कुल्फी जो है हमारी तैयार होकर आएगी। आप पलटा रख दीजिए, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए सिम गैस पे, अपना काम जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, इसमें मलाई अपने आप ही पड़ती रहेगी। ये देखिए कितनी अच्छी मलाई बन के आई है और हमारा गाढ़ा भी काफ़ी दूध हो गया है। हमें लगभग 1 लीटर का 600 ml दूध रहा है, इतना गाढ़ा दूध इसको करना होता है। जब 600 ml हो गया और हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो इसमें मैं अब डाल देती हूँ 3 से 4 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर मैंने कम क्वांटिटी में इसलिए डाली है क्योंकि अभी इसमें मेरे को आम भी डालना है, तो आम भी मीठे होते हैं। अगर हम ज़्यादा शक्कर पहले ही डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा मीठी कुल्फी बन जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। शक्कर को मिक्स हो कर लिया है, इसमें मैंने बारीक कट किए हुए पिस्ता और बादाम लिए हैं वो डाल दिए, और ये मैंने इलायची पाउडर डाली है। इलायची पाउडर तो आप ज़रूर डालें, कुल्फी में इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ड्राई फ्रूट्स आपके ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख ही रहे हैं काफ़ी गाढ़ा ये दूध हो चुका है, अभी इसमें थोड़ा सा और हम उबाल लेंगे, खदका लेंगे इसको। अब हमारी क्या होती है, दूध गाढ़ा करने के बाद, जैसे दूध अब मेरा गाढ़ा हो चुका है तो मैं गैस को तो बंद कर दूंगी और इसे ढककर रखूंगी, लेकिन मुझे इसे नॉर्मल प्लेट से नहीं, ऐसी ये जो छलनी वाली प्लेट होती है, छलनी वाली जिसमें छेद छेद से रहते हैं, इस प्लेट से ढकना होता है ताकि इसमें से हमारा जो है ठंडा भी ईजीली हो और बहुत गाढ़ापन आ जाता है ठंडा होने के बाद। अगर आपके पास छलनी वाली प्लेट नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेट से थोड़ा उगाड़ के ताकि इसमें हवा पास हो सके, ऐसे आपको उसे ढकना है। ठंडा होने के बाद आप देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना होता है हमें दूध को। अब यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो पल्प, तो इस मैंगो पल्प को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। हाफ पार्ट मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और हाफ पार्ट अभी मैं बाउल में ही छोड़ दूंगी। दूध एकदम ठंडा हो जाए जब, तभी हमें ये मैंगो पल्प इसमें ऐड करना होता है। और इसे मैंने मिक्सी के जार में जो हाफ पल्प डाला था उसे मैंने पीस लिया, इस तरीके से बिल्कुल प्यूरी इसकी बना ली है। अब ये प्यूरी वाला आम जो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ दूध में, और जो बाकी बचा बाउल में आम था जिसका मैंने पल्प निकाला था उसे मुझे एज इट इज ही डालना होता है, लेकिन हल्का बहुत जो हमारे स्पून से या पलटे से इसको हल्का मैश कर लेते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब ये मैंगो कुल्फी बनाएंगे तो हल्के से आम जब इसमें खाने में आएंगे छोटे छोटे पीस तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा पल्प होता है जो वो पूरे दूध में मिक्स हो जाता है तो पूरा आम का फ्लेवर इसका बहुत टेस्टी आता है। अब वो दोनों पल्प हमने इसमें डाल दिए हैं और देखिए कितना मिक्स करके कितनी मलाईदार और क्रीमी कुल्फी जमने के लिए हमारी तैयार हो चुका है ये मिश्रण। तो अब हम अपनी कुल्फी को जमाएंगे, आप देख ही सकते हैं अच्छे से सब चीज़ मिक्स कर लिए है। यहाँ पर मैंने कांच के ग्लास लिए हैं, इसमें मैं बड़ी बड़ी कुल्फी जमाने वाली हूँ। आप कुल्फी स्टैंड में जमाना चाहें उसमें भी जमा सकते हैं, अभी मैं उसमें भी जमा कर आपको दिखाऊंगी, प्लास्टिक के ग्लास में, स्टील के ग्लास में, जिसमें भी आप जमाना चाहें जमा सकते हैं। इसमें मैं हल्की साथ आइसक्रीम स्टिक्स लगा देती हूँ जो कांच वाली ग्लास है, और जो मैंने कुल्फी स्टैंड में, कुल्फी के मोल्ड्स में कुल्फी जमाई है उसमें मैं ये स्टिक्स नहीं लगाऊंगी, उन्हें मैं डायरेक्ट अपने उसके ढक्कन से कवर कर दूंगी। और ये जो कुल्फी मैंने स्टिक्स लगाई है उसे मैं फॉइल पेपर से कवर कर लेती हूँ, और इन्हें मैं स्टिक नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसकी हम थोड़ी सी फालूदा कुल्फी बना के तैयार करेंगे, जैसे कि हम जो है कट करते हैं, कट करके हमें कुल्फी मिलती है बाज़ार में, आपने काफ़ी बार खाई होगी, उस टाइप की कुल्फी भी हम तैयार करेंगे।
और वो स्टिक वाली कुल्फ़ी तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास इसके ढक्कन ना हो तो आप इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा सकते हैं। अब इन सब को ले जाकर मैं फ्रीजर में 6 से 7 घंटे के लिए रख दूंगी या 1 रात के लिए, जब तक आपकी कुल्फ़ी बिल्कुल अच्छे से जम नहीं जाए। उसके बाद इन्हें बाहर निकाला है। मैं एक एक करके आपको कुल्फ़ी बाहर निकाल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं कांच के ग्लास की अपनी कुल्फ़ी निकाल रही हूँ। इसको हल्का सा जैसे पानी में रख के आसानी से निकल जाती है इजीली, और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए वाओ, क्या क्रीमी कुल्फ़ी बन के आई है। देखते ही मुँह में पानी आ गया, रुका नहीं जा रहा खाने के लिए। अब मैं सारी कुल्फ़ी इसी तरीके से निकाल के प्लेट में रख देती हूँ। आप डायरेक्ट सर्व करते जाइए ताकि ये मेल्ट ना हो। ये तो मेरी कुल्फ़ी हो गई तैयार। अब हम अपनी फालूदा कुल्फ़ी में बताती हूँ वो मैंने कैसे तैयार की है। इसे मैंने खोला जैसे ढक्कन, और स्पून से इसे चारों तरफ घुमाते हुए इस कुल्फ़ी को मैंने एक प्लेट में, जिसमें भी आप ये फालूदा कुल्फ़ी तैयार करना चाहते हैं उसमें निकाल लीजिए। तो मैं आपको 2 तरीके से इसे सर्व करते हुए दिखाऊंगी। 2 प्लेट में मैंने इसलिए अलग अलग निकाल लिया है। इसको मैंने थोड़े पीसेस में कट कर लिया है, जैसे जितने छोटे बड़े आप कट करना चाहें थोड़े नॉर्मल पीसेस में, वैसे मैंने इसको कट कर लिया है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद इसमें हल्का सा फालूदा डाला। ये फालूदा वैसे बाज़ार में भी मिल जाता है इजीली, लेकिन मैंने ये घर पर ही बनाया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी लेकर आऊँगी। इस फालूदा के ऊपर मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा नहीं है तो आप रोज़ सिरप का भी यूज़ कर सकती हैं। और अब हम दूसरी प्लेट की कुल्फ़ी तैयार करते हैं। इसमें मैंने थोड़ी टूटी फूटी का यूज़ किया है। रूह अफ़ज़ा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ, और थोड़े से इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। और ये देखिए, देखने में ही कितना मज़ेदार ये कुल्फ़ी जो है तैयार हुई है। इस तरीके से मेरी मैंगो कुल्फ़ी तैयार हो चुकी हैं। इनको मैं मज़े लूँगी इनके गर्मियों के टाइम में। आप भी अपने घर पे बनाइए और कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको ज़रूर कीजिए फॉलो। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।